दृष्टि और दृष्टिकोण, सारा खेल इसी का है। विचित्र है पर यही सत्य है। अब आपको उदाहरण द्वारा समझाता हूं। कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा ये कहते हुए कि मुझे स्वयं पर गर्व है, अपने आप पर गर्व है, मैं अपनी माता पिता की बहुत अच्छे से सेवा करता, उन्हें सदैव सुखी रखता, उन्हें मैंने एक घर दे दिया है, सारी सुख सुविधाएं दी हैं, उन्हें जीवन में हर वो वस्तु दी है और दूंगा जिसकी उन्हें आवश्यकता है। अब मुझे बताइए, आप है कौन? आप वो बीज है जिसे आपके माता पिता ने बोया है। आपके माता पिता ने ही आपको इस संसार में जन्म दिया है। ये सब कहने का औचित्य क्या है? ये हो गया उस व्यक्ति का दृष्टिकोण। अब देखते हैं ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है। कभी किसी वृक्ष को देखिए, जब उस पर कोई फल आता है वो माली को ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा, वो वृक्ष ये नहीं कहता कि देखो मैं तुम्हें फल खाने दे रहा, वो जानता है ये माली का ही परिश्रम, ये उसी के कर्म का फल है और उसे ही मिलना चाहिए। वो कहता है तुम्हारा तुमको अर्पण क्या लागे में, वो जानता है माली का महत्व क्या है, ये उसका दृष्टिकोण था। इसलिए आप जीवन में किस व्यक्ति में, किस पशु पक्षी में, किस प्राणी में, किस परिस्थिति में, किस भाव में क्या देखते हैं, ये आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप मन में सकारात्मकता जागृत कर लीजिए, शुभ विचार लाई, यही सोच सच बनकर सामने आए, यही दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।